बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एडीबी पार्ट टू या बीए पार्ट टू के जो इम्पोर्टेंट मॉडर्न एसेज हैं, मैं आपके साथ उनको भी डिस्कशन करूँगा। स्टूडेंट्स, वैसे तो मैंने गेस्ट पेपर की एक वीडियो भी इसके ऊपर डाली है यूट्यूब पे, जिसमें आप पूरे का पूरा पार्ट टू का जो पेपर है, गेस्ट पेपर जो है, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके ऊपर मैंने डिस्कशन मुख्तसरन की है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं खालसतन सिर्फ मॉडर्न एसेज, यानी आपके सिलेबस में शामिल जो इम्पोर्टेंट मॉडर्न एसेज हैं, जो मैंने आपके लिए 9 सेलेक्ट किए हैं, मैं उनके ऊपर हर एसे के ऊपर थोड़ी थोड़ी ब्रीफिंग दे देता हूँ, यानी इख्तसार के साथ उसके ऊपर मैं डिस्कशन कर देता हूँ, ताकि कुछ स्टूडेंट्स की रिवीजन भी इसके ऊपर हो जाए। स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला मॉडर्न एसे है वो है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी पाकिस्तान और जदीद दुनिया। हम जानते हैं कि ये ऐसे जो है लियाकत अली खान की एक स्पीच, जो उन्होंने अमेरिका के दौरे के दौरान कैनसास यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक स्पीच की थी, एक एड्रेस किया था, एक ख़िताब किया था, उसमें से ये एक पीस एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। और इसमें लियाकत अली खान ने जो वो हालात थे जो कि पाकिस्तान की तख्लीक का बायस बने, वो वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं डिस्कस करता हूँ। उन्होंने रोशनी डाली थी कि वो कौन से हालात थे जिनकी वजह से पाकिस्तान तख्लीक हुआ, यानी इम्तहान में क्वेश्चन आपको इस स्टेटमेंट के साथ आ सकता है कि व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेज अकॉर्डिंग टू लियाकत अली खान विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, यानी वो कौन से हालात थे लियाकत अली खान के मुताबिक जो कि पाकिस्तान की तख्लीक का बायस बने। तो इसमें आप जो है टू नेशन थ्योरी वाला ये क्वेश्चन बनता है, जैसे दो कौमी नज़रिया का क्वेश्चन आपने पाक स्टडीज़ में तैयार किया, तो इसमें आप बताइए कि लियाकत अली खान ने पॉइंट आउट किया कि किस तरह से जो हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो मुख्तलिफ रिलीजन्स से बिलोंग करते हैं, और किस तरह से उनके जो मजहबी ख्यालात हैं एक दूसरे के साथ टकराव रखते हैं और क्लैश रखते हैं, और वो सेम नहीं है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान बनाया गया। इसके अलावा लियाकत अली खान ने फिर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया कि मुआशी तौर पर भी हिंदू और मुसलमान जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलफ नुक्ता निगाह, यानी एक डिफरेंट आउटलुक्स के मालिक थे। वो सूद को हराम, इस्लाम के अंदर सूद हराम है, और जबकि हिंदू जो है वो सूद को, सूदी कारोबार जो है वो करते हैं, इस हवाले से भी आप बयान कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा जोग्राफिकली और कल्चरली भी, यानी जोग्राफी लिहाज से भी मुसलमानों का अपना एक वजूद था और सपोर्ट कर रही थी ये चीज़ कि नया मुल्क उनके लिए बनाया जाए, और कल्चरली भी, यानी सकाफत भी, इनकी जो ट्रेडिशंस, हमारी जो रवायात हैं, हमारे जो समाजी मामला हैं, वो भी हिंदुओं से टोटली डिफरेंट थे। तो ये वो सर्कमस्टेंसेस थे, इनसे रिलेटेड मटेरियल जो है वो आप याद कीजिए, और इनसे रिलेटेड मटेरियल आपने कोई 150 से 250 वर्ड्स का मटीरियल आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा इस ऐसे का जो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट वर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ लियाकत अली खान फ्रॉम अमेरिका एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी लियाकत अली खान की मॉडर्न वर्ल्ड से, यानी जदीद दुनिया से क्या तवक्कुआत थी, अमेरिका से खुसूसन क्या तवक्कुआत थी। चूँकि लियाकत अली खान अमेरिका के दौरे पर थे और उन्होंने वहाँ पर एक एड्रेस किया था, ख़िताब किया था, तो अपनी तकरीर के आखिरी हिस्से में लियाकत अली खान ने उन सर्कमस्टेंसेस, यानी उन हालात को, हालात को ज़्यादा लेने के बाद उन्होंने अमेरिका से ये एक्सपेक्टेशन भी रखी कि अमेरिका जो है जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं या बैकवर्ड कंट्रीज़ जो हैं उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी में हेल्प करेगा। तो लियाकत अली खान की भी ये तवक्को थी कि अमेरिका जो है पाकिस्तान को टेक्नोलॉजिकल स्किल्स और साइंटिफिक जो रिसर्चेज़ हैं उन तक, अपना जो नॉलेज है उनका, उन तक रसाई दे। वो पैसे मांगने नहीं गए वहाँ पे, बल्कि उन्होंने वहाँ पे स्किल मांगी, और उन्होंने वहाँ पे ये उनको बार बार कराया, उनके ऊपर ये वाजिया किया कि पाकिस्तानी जो है एक डेडिकेटेड कौम है और एक टैलेंटेड कौम है, और अगर उनको हेल्प किया जाए तो वो ये सब कुछ सीख सकते हैं और फिर दुनियावी अमन में वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो लियाकत अली खान ने अपने तकरीर के दूसरे हिस्से में वो जो एक्सपेक्टेशंस रखी थी, यानी वो जो तकवात रखी थी, ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सो पहले मॉडर्न ऐसे के ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, एक व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेज विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा व्हाट वर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ लियाकत अली खान फ्रॉम अमेरिका एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। इसके बाद जो स्टूडेंट्स, दूसरा मॉडर्न ऐसे मैंने आपके लिए इस गेस्ट पेपर में आपके लिए सिलेक्ट किया है, ये जो मेरी बुक है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली, और इसमें गेस्ट पेपर ही वैसे तो डिस्कस किया गया है। तो इसमें जो दूसरी इम्पॉर्टेंट ऐसे है वो द एक्लिप्स है।
द एक्लिप्स जो है ये वर्जीनिया वुल्फ का लिखा गया एक ऐसे है, और इस ऐसे में वर्जीनिया वुल्फ ने इंग्लैंड के लोगों में जो सूर्य ग्रहण के लगने पर जो एक एक्साइटमेंट पाई जाती थी, वो जो उनका जो एक जोश खरोश था, उनका जो एक क्रेज़ था उसको देखने का, सूर्य ग्रहण के अमल को, उससे रिलेटेड उनके जो फीलिंग्स हैं, उनके जो व्यूज़ हैं, मुसनफ़ा ने उनको डिस्कस किया है। मुसनफ़ा ख़ुद भी एक चश्मदीद गवाह थी इस सूरज ग्रहण के अमल को देखने की, और उसमें उन लोगों की जो एक्साइटमेंट थी, जो जोश खरोश था इस नेचुरल हैपनिंग से मुतलक, यानी सूरज ग्रहण के लगने से मुतलक, उसको उसने बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ यहाँ पे डिस्कस किया है। आप इसमें बताइएगा कि जिस रोज़ इंग्लैंड के लोगों को इल्म हुआ कि अगले दिन जो है 24 सेकंड के लिए सूरज ग्रहण लगेगा और इंग्लैंड के जिन इलाकों में ये देखा जा सकेगा, तो उस वक़्त लोगों की जो रात भर की जो सरगर्मियाँ हैं, या लोगों की जो एक्साइटमेंट थी, जो लोगों का जो जोश खरोश था, जो हसल एंड बसल थी, वो आपने डिस्कस करनी इस क्वेश्चन में। इसके बाद जो एक और मॉडर्न है आपके लिए, जो नेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया है, वो टेक द प्लंज है। टेक द प्लंज का मतलब होता है छलांग लगाओ या छलांग लगाना। इस ऐसे में ग्लोरी एमरसन नामी राइटर है जिसने ये ऐसे भी लिखा है, और उसने अपनी एक अपनी दास्तान सुनाई है पैराशूट के ज़रिए छलांग लगाने की, यानी टेक द प्लंज जैसे कि टाइटल जाहिर करता है। इस ऐसे में ग्लोरी एमरसन ने पैराशूट के ज़रिए छलांग लगाने का अपना जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपना जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, वो डिस्कस किया है। ग्लोरी एमरसन जो है वो हम जानते हैं कि सेहत के लिहाज से उसके हालात ठीक नहीं थे, वो ना हेल्दी कंडीशंस का शिकार थी, उसके घुटने बेकायदा थे, आई साइड वीक थी, जिसकी वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वैसे वो पढ़ी लिखी एक औरत थी, लेकिन वो भी ज़िंदगी में एक जरूरत वाला काम करना चाहती थी कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, तो उसने बड़े बार कोशिश की कि वो कई काम उसने सोचा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करके लोगों के मुंह बंद करे। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो पैराशूट के ज़रिए छलांग लगाएगी, और उसने फिर एक ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया। वहाँ पे उसके जो ट्रेनर थे जैक हेस्टल, उन्होंने काफ़ी इनकरेजमेंट की, उसकी अच्छी ट्रेनिंग करवाई, और फिर उन्होंने उसको छलांग भी लगवाई पैराशूट के ज़रिए। जब उसने सेसना 180 यानी C-180 तैयारी के ज़रिए पैराशूट के छलांग लगाई, तो उसके जो एक्सपीरियंसेस थे, जो फीलिंग्स थे, वो सब आप इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके मतलब एक और सवाल भी आ सकता है कि इसका थीम और मैसेज क्या है। मैसेज यही है कि अगर हम विदन अवर रिसोर्सेज और अपने एबिलिटीज़ को बरकरार रखते हुए, बुरकार लाते हुए, और थोड़ी सी हिम्मत से काम लें, तो लोगों की नज़रों में हम अपना इमेज बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट मॉडर्न ऐसे मैंने आपके लिए नेक्स्ट सेलेक्ट किया है, वो वॉकिंग ऑन द मून है। वॉकिंग ऑन द मून जो ऐसे है, इसके अंदर आपको बताता चलूँ दिए स्टूडेंट्स के हमारे दो एस्ट्रोनॉट्स यानी दो खुलाबाज हैं जिन्होंने चांद की सतह पे कदम रखा, चांद के ऊपर कदम उतरे, और उन्होंने वहाँ पे वक्त गुजारा कुछ, और फिर उनके जो वहाँ के ऑब्जर्वेशंस थी, वहाँ के उनके जो मुशाहदे थे जो उन्होंने वहाँ पे देखा, और ज़मीन के मुकाबले में उन्होंने जो वहाँ पे फ़र्क महसूस किया, वो उन्होंने हमारे साथ यहाँ पे इस ऐसे में डिस्कस किया। बड़ा नॉलेज वाला ऐसे है। इस ऐसे में मुसन्नफ़ ने बताया है कि किस तरह चांद की सतह पे फ़र्क महसूस होता है ज़मीन के मुकाबले में, वहाँ पे एनवायरनमेंट का जो फ़र्क है वो बताया है, वेटलेसनेस का एक फ़र्क है वो यहाँ पे डिस्कस किया है। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग ऐसे है, ये भी आप इसको तैयार कीजिए। इसके बाद एक नेक्स्ट मॉडर्न ऐसे है, आर डॉक्टर मैन ऑफ साइंस, क्या डॉक्टर साइंसदान होते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऐसे है। इसमें डॉक्टर ने एक अजीम राइटर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने डॉक्टरों का मजाक उड़ाया, उन डॉक्टर्स का जो कि साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिफिक तरीके से इलाज नहीं करते, बल्कि अपने दुकानदारी चमकाते हैं और मरीज़ों के साथ खिलवाड़ी करते हैं। काफ़ी ज़्यादा उसने यहाँ पे इसके अंदर मजाक उड़ाया, और राइटर ने यहाँ पे इब्तदाई तौर पे तो फ़र्क बताने की कोशिश की है कि क्या डॉक्टर साइंसदान होते हैं। तो डॉज बर्नार्ड शॉ ये बताना चाहता है कि डॉक्टर में और एक साइंसदान में फ़र्क होता है। दरअसल उस ज़माने में मेडिकल डेवलपमेंट्स हो रही थी, और बहुत से लोग जो है इनकलाब आ रहे थे इस मेडिकल के प्रोफेशन में, और बहुत से लोग जो हैं वो अपने आप को साइंटिस्ट की पोज कर रहे थे, जाहिर कर रहे थे। तो डॉक्टर ने फिर बताने की कोशिश की है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कि डॉक्टरों में और जो साइंटिस्ट होते हैं उनमें एक फ़र्क होता है। ये एक तो ये सवाल आपने तैयार करना है, और दूसरा जो आपने इसका जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर कौन कौन से हीलर्स हैं, यानी वो कौन कौन से लोग हैं जो इलाज करने का दावा करते हैं। एक तो ये डॉक्टर्स हो गए, और दूसरे नंबर पर राइटर ने ये जो हर्बलिस्ट होते हैं, ये जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके जो ट्रीटमेंट करते हैं, उनके मतलब बात की है। और फिर तीसरे में हिस्से में राइटर ने
ये जो बोन सेटर्स हैं यानी ये जो हड्डियाँ जोड़ने का काम करते हैं उनके तरफ बात की है, और ऊपर एक चौथी हीलर्स एक कैटेगरी बयान की है कि एक चौथी कैटेगरी वो ये है कि ये जो चार्मर्स होते हैं ये जो तवीज़ धागे का जो काम करते हैं उनसे रिलेटेड जो है उन्होंने बयान किया है कि किस तरह से वो अपने चार्मर्स अपने तवीज़ों की बुनियाद पर और किस तरह से रूहानी तौर पर वो इलाज करने का एक दावा करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा बार पेपर में आया हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऐसे जो आपके लिए सिलेक्ट किया है वो है टॉलरेंस। टॉलरेंस का माना बर्दाश्त होता है। इस ऐसे में एएम फॉरेस्टर ने बड़े ही मदलल अंदाज के साथ बड़े दलील के साथ उन्होंने टॉलरेंस की अहमियत को उजागर करने की कोशिश की है। दरअसल जंगाज़ीम वन और जंगाज़ीम दोएम के बाद बहुत सी तबाहकारियाँ हुईं और मुख्तलिफ सिविलाइजेशन का आपस में जो बार बार टकराव हो रहा था उस टकराव से आगे फर्दर बचाने के लिए राइटर ने एक ऐसे लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि हमें बर्दाश्त की ज़रूरत है, हमें टॉलरेंस की ज़रूरत है, और किस तरह से इस सिफ्त को इस वर्च्यू को अपना कर हम दो तहजीबों को आपस में अमन के साथ रख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने बहुत सी दलील दी हैं, बहुत सी डिस्कशंस की हैं। वैसे तो उन्होंने तारीख के मुख्तलिफ हिस्सों से एग्जांपल्स दे दे के भी साबित करने की कोशिश की है कि बहुत से तजर्बात किए गए दो सिविलाइजेशन को आपस में यूनाइट करने के लिए, लेकिन जो काम टॉलरेंस करता है ये वस्फ़ करता है वो कोई और वस्फ नहीं कर सकता। यानी ये ऐसे टॉलरेंस की अहमियत पे ही है, यानी बर्दाश्त और तहम्मुल की अहमियत पे इससे रिलेटेड आप मटेरियल तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट मॉडर्न ऐसे जो आपके लिए सेलेक्ट किया गया है वो है होस्ट एंड गेस्ट, यानी मेहमान और मेज़बान। इस ऐसे में राइटर ने मेहमान और मेज़बान की दो कैटेगरीज बयान की हैं कि इंसान को हम जनरली दो कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं इंसानों को, यानी या तो वो मेज़बान होते हैं और या वो मेहमान होते हैं। मेज़बान कौन होता है राइटर ने वो भी डिफ़ाइन किया है, मेहमान कौन होते हैं वो राइटर ने डिफ़ाइन किया है, और राइटर ने इसके साथ साथ बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े ह्यूमरस अंदाज के साथ जो है वो बताने की कोशिश की है कि किस तरह से मतलब जो है मेज़बान जो है वो डिफरेंट होते हैं और मेहमान भी डिफरेंट होते हैं। हर किसी का अपना अपना मिजाज होता है, हर मेज़बान दूसरे मेज़बान जैसा नहीं है और हर मेहमान भी दूसरे मेहमान जैसा नहीं है। बड़ा दिलचस्प उसने तजिया यहाँ पे उसने मेहमानों का और मेज़बानों का किया है यहाँ पे। और फिर आखिर की आखिरी हिस्से में मज़मून के आखिरी हिस्से में उन्होंने स्टूडेंट्स के हवाले से भी बयान किया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मेज़बान बनना पसंद करते हैं या मेहमान बनना पसंद करते हैं। तो राइटर ने कुछ अपने ज़ाती ज़िंदगी से भी एग्जांपल्स देने की कोशिश की है जब वो एक स्टूडेंट था। तो इसका इंपॉर्टेंट ऐसे है, ये भी आप कर सकते हैं, इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। तो लिहाजा होस्ट एंड गेस्ट का जो फ़र्क है, द डिफरेंस बिटवीन होस्ट एंड गेस्ट, इसको आप तैयार कीजिए। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट मॉडर्न ऐसे है वो साइंस एंड वैल्यूज़ है, यानी साइंस एंड वैल्यूज़। ये बर्ट्रंड रसल का एक फ़िलासफ़र है, बर्ट्रंड रसल, उनका लिखा हुआ ऐसे है। इसके अंदर उन्होंने साइंस पर एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि साइंस जो है या साइंटिफिक तरीक़ाकार जो है या साइंटिफिक जो डिस्कवरीज हुई हैं वो किस तरह से इंसानों के जो मसाइल हैं या इंसानों के जो पेन्स हैं इंसानों की जो तकलीफें हैं उसको किस तरह से मिनिमाइज़ उसने किया है और मज़ीद मिनिमाइज़ कर सकती है। यानी इंसान को जो अजीतें होती हैं या इंसान को जो तकलीफ़ें होती हैं साइंस ने किस हद तक उसको मिनिमाइज़ किया है और किस हद तक मिनिमाइज़ कर सकती है, एक तो ये क्वेश्चन है। और दूसरा फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वैल्यूज़ का, मतलब है कि इंसानी वैल्यूज़ जो हो इम्पॉर्टेंट दे आर। और इसमें उन्होंने आगे चलकर फिनेटिकल क्रीड्स, ये जो जुनूनी ख्यालात हैं जुनूनी आइडियाज़ हैं जुनूनी अकीदे हैं जिसमें लोग जो हैं वो अपने अकीदे की चाहत में या अपने फ़िरके की चाहत में या अपने जो पॉलिटिकल या रिलीजियस एतकादात होते हैं उसकी चाहत में दूसरों के जो रिलीजियस आइडियाज़ हैं या मजहबी ख्यालात हैं किस तरह से उनके अगेंस्ट चले जाते हैं और किस तरह से वो अपने क्रीड्स को अपने ही अकायद को दूसरों के ऊपर ज़बरदस्ती थोंसने की कोशिश करते हैं और इससे वो जो बिगाड़ पैदा हो सकता है और इससे यानी इन पॉलिटिकल क्रीड्स को अपनाने की वजह से वो जो इंसानियत को जिन मसाइल का सामना हो सकता है जो आगे चलकर इससे मसाइल पैदा हो सकते हैं दुनिया का जो अमन ख़राब हो सकता है उसको राइटर ने बड़े मौसर अंदाज के साथ इस ऐसे में डिस्कस किया है। तो एक सवाल आपको मैंने बताया कि साइंस किस कदर हेल्पफुल है इंसानों के लिए, इंसानों के किस तरह से उसने गम मिनिमाइज़ किए हैं, और दूसरा फोनेटिकल क्रीड्स जो हैं वो किस तरह से ह्यूमैनिटी के लिए इंसानियत के लिए डेंजरस हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऐसे आपके लिए डी स्टूडेंट्स डिस्कस किया गया है वो है ऑन सेइंग प्लीज, यानी इस ऐसे में अखलाकियात तहजीब शाइस्तगी
के ऊपर बात की गई है कि प्लीज़ कहने के किस कदर फ़ायदे हो सकते हैं। दरअसल ये जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं अपने गुफ्तगू में, प्लीज़, सॉरी या फिर थैंक यू, इन वर्ड्स पे राइटर कहता है कि कॉस्ट कोई नहीं आती, लागत कोई नहीं आती, लेकिन ये माशरे के अंदर हमारा जो एक रवैया होता है उसको स्मूथ करते हैं, यानी ये स्मूथ तरीके से माशरे के अंदर हम अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। इनकी जो अहमियत है यानी इन वर्ड्स की या इन कर्टसी वाले अल्फाज की या इन सिविलाइज्ड जो अल्फाज हम अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं और इनकी किस कदर अहमियत है, राइटर ने ये ऐसे इस टॉपिक पे लिखा है। और इसमें उसने एक दो इंसिडेंट्स भी सुनाए हैं कि किस तरह से प्लीज़ कहने से हालात नॉर्मलाइज रहते हैं और अगर हम इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते तो बाज़ हालात आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो जाते हैं। तो बहरहाल इस ऐसे में राइटर ने तहजीब और शाइस्तगी वाले अल्फाज जो हैं उनकी इस्तेमाल की अहमियत पर रोशनी डाली है। डी स्टूडेंट्स, ये तकरीबन जो मैंने आपके साथ जो 6-7 इंपॉर्टेंट मॉडर्न एसेज जो है वो डिस्कस किए हैं, ये हाईली एक्सपेक्टेड है इस बार। बहरहाल आप और भी हैं वैसे तो, जिसमें नागासाकी अगर किसी ने तैयार किया हुआ तो बहुत अच्छी बात है। नागासाकी अगस्त 1945 इंपॉर्टेंट हो सकता है। विस्लिंग ऑफ बर्ड्स के मतलब अगर किसी ने मटीरियल यानी एसे नंबर 3 जो है किया तो वो भी इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन कम अज़ कम आप एटलीस्ट इन एसेज को जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए हैं आप उनको ज़रूर जो है वो याद कीजिएगा और इससे रिलेटेड मटेरियल जो है वो किसी भी बुक से जो आपके पास की बुक की शक्ल में मौजूद है आप इससे मतलब मवाद कहीं से भी तैयार कर लीजिए। और बेहतरीन जो चीज़ मैं आपको डी स्टूडेंट्स बताऊंगा वो ये है कि आप हर एसेस के इन क्वेश्चंस को 2 से 3 से 4 बार लिख लिख कर याद करें। इससे आपकी स्पीड बनती है, इससे आपकी राइटिंग इम्प्रूव होती है, इससे आपका स्टेमिना बढ़ता है, इससे आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि आपके स्पेलिंग्स इम्प्रूव होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ मॉडर्न एसेस का जो पोर्शन है बुक में जो ज़्यादा गैस की शक्ल में मैंने आपको दिया हुआ है उसकी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है। होपफुली कि यह आपके लिए इम्तिहान में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो।